हेलो गाइस, मैं तारा कुशवाहा। आज हम बनाने जा रहे हैं घर में आलू चाट। जब भी आपको चाट खाने का मन हो और आप बाहर नहीं जा पाते हो तो आप इस तरीके से घर पे बना करके खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आलू चाट बनाने के लिए एक बर्तन मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा बर्तन गर्म हो जाता है इसमें हम ऐड कर देंगे एक छोटा चम्मच ऑयल। गैस का फ्लेम अभी हम लो रखेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए हमारी प्याज। और जैसे ही हल्का सा प्याज का कलर चेंज होता है और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने इसको ब्राउन नहीं किया है। तो यहाँ पर दो टमाटर है मेरे पास बारीक चॉप किया है, इसको ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देंगे नमक, आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक डाल देने से टमाटर जो है ना जल्दी से गल जाता है। अब हम इसको मिक्स करते हुए लगभग गला लेंगे टमाटर को। तो 2 से 3 मिनट में हमारा टमाटर जो है ना गल के तैयार हो जाएगा। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। गैस काफ़ी लोग होते हैं जो बाहर का चाट खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो वो इस तरीके से घर पे चाट बना करके खा सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से और टेस्टी भी लगेगा। तो गैस यहाँ पे देखिए टमाटर हमारा जो है ना गल गया है, एकदम पेस्ट बन गया है। इसको मैंने कंटिन्यू मिक्स करते हुए गला लिया है। और अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि हमने मीडियम किया था। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पर मेरे पास 3 आलू मीडियम साइज़ का था, मैंने बॉईल किया और उसको बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ दिया है। और उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। तो नमक हमने पहले ही डाल दिया था इसलिए अब हमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 2 मिनट तक पका लेंगे। तो जब आलू से जो है ना हमारा टमाटर का जो प्योरी जैसे बन गया था वो जब मिक्स हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया से जो है ना हमारे आलू चाट का टेस्ट आ जाता है। तो अगर आपको आलू के पीस थोड़े बड़े लगे तो आप उन्हें चम्मच से प्रेस करके छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम चलेंगे फाइनली चाट बनाने के लिए। तो एक प्लेट ले लिया है मैंने, इसमें हम डाल देंगे आलू को। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे पास है खजूर और इमली की चटनी, तो मैं 2 चम्मच खजूर और इमली की चटनी ऐड करूँगी। मेरे पास ये होममेड है, बहुत ही बढ़िया इससे टेस्ट आता है। और उसके बाद थोड़ा सा टमाटो केचप डाल देंगे। मार्केट वाले मीठी वाली चटनी का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन अभी हम इतना सारा तो नहीं बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और फिर 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई लिया था मैंने, उसको डाल देंगे। और फिर यहाँ पर डालेंगे खट्टी मीठी नमकीन। खट्टी मीठी नमकीन से ना चाट का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, खट्टा मीठा। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे सेव। तो यहाँ पे मेरी बारी पतली वाली सेव है, इसको डालेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। मार्केट वाले एकदम ऐसे ही चाट बनाते हैं ना। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे फ्रेशनेस के लिए थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई हरी धनिया। तो ये देखिए चाट हमारा एकदम बन करके तैयार हो चुका है, बहुत ही जल्दी बन गया है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार आप भी इस तरीके से आलू चाट बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।